हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा करने वाली एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। और इस एप्लीकेशन की डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखकर इस एप्लीकेशन का तरीका इस्तेमाल सीख लें। यह एप्लीकेशन आपके लिए मददगार साबित हो सकती है और इसका तरीका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपने इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है, और भी आप लैंग्वेजेस सेट कर सकते हो, जैसे अरबिक, हिंदी या कुछ और भी। तो अगर आप इंग्लिश में से उर्दू ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने इंग्लिश ही रखना है। और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, टैब टू इंटर टेक्स्ट जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, जैसे के हाउ आर यू डूइंग। तो आप देख सकते हैं इसने ट्रांसलेट कर कर दिखाया है हमें, आप कैसे हैं, इसका मतलब है, इसका तर्जुमा है। ये एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, इसका नाम गूगल ट्रांसलेट है, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से काम करती है। इस एप्लीकेशन में आप लिख कर, बोल कर और अपने मोबाइल के कैमरा से स्कैन करके भी तर्जुमे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ और तर्जुमे दिखाता हूँ करके, पहले इंग्लिश में लिखकर और उर्दू में आप तर्जुमे देख सकते हैं इसमें। अब हम कैमरा स्कैन वाला देखते हैं। तो उससे पहले आप यहाँ पर काफ़ी सारी जो लैंग्वेजेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए। अगर आप बिना नेट के तर्जुमे करने चाहते हैं इंग्लिश से उर्दू के, तो आप उर्दू ज़बान को डाउनलोड करें या हिंदी को कर लें, जिस भी ज़बान में आप चाहते हैं। तो हम अब कैमरा की तरफ चलते हैं, स्कैन वाले सिस्टम की तरफ। आपने कोई भी चीज़ ऐसे लानी है जिस पर इंग्लिश लिखी हो, उसके बाद स्कैन पर क्लिक करना है, और उसके बाद जो बटन है रिकॉर्ड टाइप का, तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो ये स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही स्कैनिंग हो जाती है, आपने सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करते हैं, तो यहाँ पर यह तर्जुमा आ चुका है इसका। इससे फ़ायदा यह है, आप किसी और कंट्री में जाते हैं या कहीं भी, वहाँ चाइनीज़ में लिखा हो किसी बोर्ड पर, किसी साइन बोर्ड पर, किसी स्टोर के ऊपर, तो आप उसे स्कैन करके कुछ भी समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ की दुकान है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना आसान है ये। आप कोई भी लैंग्वेज इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, फिर ऑफलाइन आप तर्जुमे निकाल सकते हैं किसी भी ज़बान से, किसी भी ज़बान में। तो पर्सनली मुझे ये काफ़ी एप्लीकेशन अच्छी लगी और काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।